चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गृह नगर शियान पहाड़ों की ओर में बसा हुआ खूबसूरत वादियों के बीच में हरियाली चारों तरफ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा हमारे चारों तरफ इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अगवानी की थी, स्वागत किया था शी जिनपिंग का, शी जिनपिंग उसी तरह सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां शियान में होस्ट कर रहे हैं, उनकी अगवानी कर रहे हैं। मेरे पीछे ये शियान का मशहूर टेराकोटा म्यूजियम है, जिसमें जो सैनिक चीनी सैनिक प्राचीन काल में हुआ करते थे उनकी मिट्टी की टेराकोटा की मूर्तियां बहुत सारी आदमकद की बनी हुई हैं और तमाम इस म्यूजियम के अंदर हैं। और उस म्यूजियम का इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको दिखा दें, पीछे भारी जमावड़ा सुरक्षा कर्मियों का है, मीडिया का है। और यहां पर क्योंकि एक बेहद मशहूर पर्यटक स्थल है ये टेराकोटा म्यूजियम शियान का, तो इसलिए बड़ी तादाद एक पर्यटकों की भी है, जो स्थानीय भी है, शियान के भी है, चीन के अलग अलग हिस्सों से भी आए हुए हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी आए हुए हैं। आइए एक बार आपको अंदर इस छोटे से बाजार नुमा इलाके में लिए चलते हैं। ये शियान के टेराकोटा म्यूजियम के ठीक बाहर का इलाका है। टेराकोटा म्यूजियम के अंदर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, इसलिए सुरक्षा कारणों से हमें वहां जाने की फिलहाल इजाजत नहीं है। लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये बड़े बड़े शोरूम्स, बड़े बड़े ईटिंग आउटलेट्स, ईटरीज, बड़े बड़े ब्रांड्स यहां पर मौजूद हैं। और ये एक छोटा कस्बा है, ये एक छोटा कस्बा है, तो आप समझिए कि किस कदर विकास चीन में हो चुका है। लेकिन हाँ, साथ पर पटरी पर यूं सामान बेचने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। हिंदुस्तान के ही किसी कस्बे की तरह इस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। चीन की ये पारंपरिक चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, जो कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे उन स्टैचूज की, उन मूर्तियों की, फौजियों की, टेराकोटा की बनी हुई, वो कुछ इस तरह की है। उसके छोटे छोटे रेप्लिका यहाँ पर रखे हुए हैं, ताकि जो सैलानी या पर्यटक यहाँ पर आते हैं, अगर वो खरीदना चाहें, तो ये प्राचीन चीन के शहंशाह के काल के फौजियों की ये प्रतिमाएं हैं, टेराकोटा उस मिट्टी की बनी हुई, जिसे टेराकोटा कहते हैं। और जो म्यूजियम यहां पर है, उसमें इन्हीं मूर्तियों की, आदम कद की ये मूर्तियां वहां पर मौजूद है। अपने आप में एक अजूबा है, बेहद खूबसूरत ये है। तो इस तस्वीर को गौर से आप देखिए, ये उन फौजियों की ये छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं, जिनकी आदम कद के बुत जो है वो इस म्यूजियम के अंदर बने हुए हैं। और